चलिए आज कला कैसे बनता है उसके बारे में हम बोलेंगे। तो कला किस चीज से बनता है, तो कला का मैचिंग कैसे होता है वो भी एक्वावेज का वो आप लोगों को देखेंगे। तो प्लीज आप लोग देखिए, आइए यहाँ पे मेरा एक्वावेज का देखिए, हर टेंडर है इसमें, देखिए जो जो टेंडर चाहिए एक्वावेज में सब टेंडर है। तो अभी कलर कैसे बनता है इससे आप लोगों को जानना है, कलर कैसे बनेगा। तो कलर बनने के लिए हम लोगों के पास एक सेट काट है, तो सेट काट से कलर बनाएंगे। तो देखिए हाथ में हाथ टेंडर है, तो कौन सा टेंडर से कलर बनेगा वो आप लोगों को जानना है। तो चलिए सेट काट से आप लोगों को अच्छा से समझेंगे और कलर बना के दिखाएंगे, फिर गाड़ी में एप्लीकेशन का भी करके दिखाएंगे, गाड़ी में एप्लीकेशन कैसे होता है वो मार के भी आप लोग को दिखेंगे। तो कलर के बारे में जिसको जानना है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो देखिए चलिए कलर कैसे बनता है आप लोगों को दिखाता है। तो आप लोगों को कलर कैसे बनाना है वो दिखाएंगे। तो देखिए मेरा पास वेट मशीन है, सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो कंटेनर है वो भी है। तो कलर बनाने के लिए आप लोगों को सेट कट चाहिए। देखिए ये सेट कट है, इसमें व्हाइट कलर है, देखिए इसमें व्हाइट कलर है। तो अच्छा से देखिए, तो इसका पीछे में एक कलर फार्मूला है, तो वो आप लोगों को जानना है कलर कैसे बनाना है। तो फॉलो कीजिए, यहाँ पे फार्मूला है, देखिए यहाँ पे फार्मूला है, देखिए 8900 उसके लिए क्वांटिटी लगेगा 1086 डालना पड़ेगा कलर, 8904 डालना पड़ेगा 54.3, 8918 पॉइंट डालना पड़ेगा 5.43। तो ऐसा करके हर टेंडर है, देखिए। तो आप लोगों को डालना कैसा है इसका हिसाब आप लोगों को जानना है। तो देखिए एक कैलकुलेटर लीजिए, ऐसा करके एक कैलकुलेटर लीजिए, इसमें है देखिए, ये मेरा क्वांटिटी है, ये मेरा टेंडर का नंबर है, देखिए 8900 यहाँ पे है, 8900 देखिए फॉलो कीजिए, यहाँ पे 8900, ठीक है। ये काला टेंडर आप लोगों को जानना है कौन सा टेंडर लेना है, तो ये टेंडर लेना है, तो इसके डालना है। इसके डालने के लिए हम लोग को चाहिए देखिए 100 ग्राम में कितना डालना है, तो लीजिए 1086.0.0.0। तो अभी डालना है हम लोगों को यहाँ पे 300 ग्राम बनाएंगे, तो 3 डालिए इंटू 3, तो कितना हुआ 325.8, ठीक है। तो डालना है 325 ग्राम, 325 ग्राम यहाँ पे हम लोगों को डालना है, ठीक है। आप लोग याद रहेगा, देखिए फिर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, 1086.0 × 3, तो डालना है 325 ग्राम, हम लोगों को 325 ग्राम डालना है। तो आप लोग डालिए अच्छे से 325 ग्राम, जैसा करके मैंने हिसाब किया है। तो आप लोग तो सेम प्रोसेस में आप लोग अभी कलर कैसे डालना है वो देखिए, 325 ग्राम हम लोग कलर डालेंगे इसमें। तो यहाँ पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब जीरो जीरो है, यहाँ पे 325 ग्राम कलर डालना है। तो देखिए हाथ 3-4 कलर मिलके एक कलर हम लोगों का होगा। तो देखिए अभी 325 ग्राम हो जाएगा मेरा। तो मेरा 325 ग्राम हो गया है। तो सेम प्रोसेस में आप लोगों का दूसरा ये 5.4 904 यहाँ पे देखिए 904 है, तो 904 मेरा टेंडर है, देखिए 904 है यहाँ पे देखिए फॉलो कीजिए, 904 है, इसको डालना है 5.4। तो सेम भावे इंटू कीजिए 5.4.3 इंटू आप लोग लीजिए इंटू 3D, तो 16.2 ग्राम जाएगा। तो आप लोग सेम प्रोसेस में 16.2 ग्राम डालिए, तो 16.2 ग्राम डालिए, तो हो गया मेरा। फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए
यहाँ पे है 5.4, देखिए 5.4, देखिए 5.4.3×3, तो देखिए 16.2 हो रहा है मेरा। तो सेम पोजीशन में आप लोग डालिएगा। तो हम लोगों को डालना है ब्लैक, देखिए फिर से एक कलर जाएगा। तो हमने डाल दिया, तो अभी जाएगा येलो, ठीक है येलो, ये सेम है, ये भी 16.2 जाएगा। तो आप लोग सेम प्रोसेस में डालिए, सेम प्रोसेस में आप लोग डालिएगा, सेम प्रोसेस में। तो सेम प्रोसेस में आप लोग डालिए। तो हो गया, तो अभी डालना है, देखिए यहाँ पे कितना टेंडर है, 8908। तो यहाँ पे देखिए 10.1। तो इस पर क्या है, और एक चीज़ करता है, ये 100 ग्राम में बांध लेगा अपने, ये यहाँ पे बांध रहा है 3 ग्राम। तो देखिए 10.10, तो देखिए 0.3×10.1। तो देखिए 3 ग्राम जाएगा। फिर से आप लोग हिसाब कर लीजिए, इसका 100 ग्राम निकालने के लिए कैसा करें, 100 ग्राम निकालने के लिए सेम पॉइंट है, देखिए जैसे ये 1 जो रहेगा ये आपका 300 ग्राम बना रहा है। तो फिर से आप लोगों के हिसाब देखा रहा है, 0.3×1086। तो देखिए यहाँ पे चलाया हम लोगों का 325 ग्राम, सेम फॉर्मूला में आप लोग बनाइए। तो देखिए अभी इसको भी डालेंगे, कलर हो जाएगा मेरा। तो मेरा कलर रेडी है, तो देखिए हाथ टेंडर देखिए मेरा कलर रेडी है। तो जो जो प्रोसेस है मैं कलर रेडी किया हूँ, आप लोग भी सेम प्रोसेस में कलर रेडी कीजिए। देखिए तो मेरा व्हाइट कलर रेडी है, अभी इसको आप लोग अच्छा से मिक्सिंग कीजिए, कलर को आप लोगों को अच्छा से मिक्सिंग करना पड़ेगा। मिक्सिंग के बाद आप लोग गाड़ी में एप्लीकेशन कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए कलर मेरा रेडी है, तो कलर मेरा रेडी है व्हाइट कलर। चलिए अभी गाड़ी में मार के आप लोगों को दिखाएंगे, तो चलिए गाड़ी में जाते हैं हम लोग, गाड़ी में कलर कैसे मारता है वो प्रोसेस आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये कलर बना के गाड़ी में रेडी है, अभी पैनल मार के आप लोगों को कलर दिखाएंगे। तो पैनल मारने के लिए सबसे पहले आप लोग चेक करके क्लीन कीजिए, ट्रैक्टर से फिर निकाल दिया। अभी क्या करना है आप लोगों को, पैनल में मारना है, पूरा पैनल नहीं मारेंगे, यहाँ पे पाई मारे इस जगह में मारेंगे पहले। तो देखिए इस जगह में मार रहे हैं हम लोग, पूरा मारने का जरूरत नहीं है, करेंगे टचअप करेंगे पैनल। तो टचअप भी प्रोसेस आप लोगों को देखने के लिए मालूम चल जाएगा, तो टचअप कैसे करना है। तो देखिए अभी इस साइड में मारेंगे, देखिए तो अभी इसको ड्राई होने दीजिए, ड्राई होने के बाद अगले कोट मारेंगे हम लोग।
तो देखिए अभी फाइनल कंप्लीट कर देंगे हम लोग, तो ज़्यादा नहीं कलर मारना पड़ेगा, हाफ को मारने से हो जाएगा। देखिए तो हर जगह में कलर नहीं मारेंगे, तो मेरा कलर कंप्लीट है। तो मेरा कलर कंप्लीट है, सूखने दीजिए। सूखने के बाद हम लोग क्लियर मार के आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए अभी क्लियर मार के सूखने दीजिए, सूखने के बाद क्लियर मार के दिखाएंगे आप लोगों को। तो अभी हम लोग क्लियर मारेंगे, तो क्लियर दो कोट में मेकअप करेंगे। तो पहले साइड में क्लियर मारेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले साइड में क्लियर मार रहे हैं हम लोग। तो देखिए फास्ट कोट, तो फास्ट कोट हो गया है। तो इसको 5 मिनट सूखने दीजिए, सूखने के बाद फाइनल क्लियर मारेंगे हम लोग। अभी हम लोग यहाँ पे फाइनल क्लियर मेकअप करेंगे। तो फाइनल क्लियर का प्रोसेस आप लोग देखिए, तो पूरा दरवाज़ा जो है उसमें आप लोग अच्छा से घान दबा के मारिएगा, ठीक है। तो जो जो प्रोसेस से मैं गान चला रहा हूँ, आप लोग भी सेम प्रोसेस से गान चलाइए। तो देखिए हम लोगों का क्लियर कंप्लीट है, एकदम फाइनल नया जैसा है, कोई जगह पे छूटा नहीं है, एकदम ओके। तो चलिए आप लोग देखिए क्लियर, मैंने जो जो प्रोसेस व्यवहार किया है सेम प्रोसेस में आप लोग व्यवहार करके क्लियर मारिए। जैसे कलर मैंने बनाया, कलर बनाकर आप लोगों को मार के दिखाया, तो आप लोग सेम प्रोसेस में मारिए। तो आप लोगों को मेरा प्रोसेस अच्छा लगा तो मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो देखिए एक बार दरवाज़ा एकदम नया जैसा है। तो जो जो प्रोसेस मैंने एप्लीकेशन किया है आप लोग भी सेम प्रोसेस से कीजिए। देखिए तो देखिए एकदम नया जैसा है। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरा प्रोसेस वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अगले बार कौन सा वीडियो देखना है वो कमेंट में बताइए। धन्यवाद।